साहब नीचे से कुछ आवाजें आ रही हैं। चलो अंदर से आवाजें आ रही हैं कुछ। हाँ क्या हुआ? नमस्ते साहब। साहब इसमें से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। अच्छा चलिए। यहां पर ब्लास्टिंग का इंतजाम करो। ठीक है सर। Everything is ready? ठीक है, तीन पे ब्लास्ट होगा। 1, 2, 3। चलो मिस्टर सुभाषु आपने तो कमाल ही कर दिया। हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब से इस महल के बारे में पढ़ा था पता नहीं क्यों मुझे महसूस होता था कि और देखिए कितनी अच्छी हालत में है ये महल। मुझे तो यहाँ के ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ नहीं नहीं बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ। क्या हुआ मिस्टर सुधांशु? आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? आवाज नहीं तो Thank you.
कितनी खूबसूरत मूर्ति है, ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेगी। मित्रों, श्री सुधांशु शेखर चौधरी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि इतनी कम उम्र में इन्होंने जो कामयाबी हासिल की और जिस तरह लक्ष्मियों का पुराना महल ढूंढ निकाला, वो सिर्फ इन्हीं के लिए मुमकिन था। इन्होंने 2500 साल पुराने इतिहास को हमारे सामने जीवित रखा। आज हम यहाँ इन्हें सम्मानित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत किया जाए। हम सबके यहां इकट्ठे होने की वजह है लिच्छवियों का वो महल जिसे सुधांशु शेखर चौधरी ने जमीन के अंदर से ढूंढ निकाला है, और ये खबर दुनिया के हर उस बड़े आदमी तक पहुंच गई है, और हिंदुस्तानी एंटीक्स इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। आप लोग नहीं जानते कि लिच्छवियों को इस महल में कितनी दौलत छिपी हुई है, बेशुमार दौलत, और इस दौलत को सही ठिकाने लगाने और इसे हासिल करने के लिए हमें सुधांशु शेखर चौधरी को अपने कब्जे में लेना होगा। इसलिए मैंने सुधांशु शेखर चौधरी को उठवाने का एक बेहतरीन प्लान बनाया है। अब उठाने बिठाने की तो हम खात हैं सरकार, बस एक बखत चल के सुधांशु का घर और पता बताई दो, फिर देखो अपने इस बाके बिहारी का खेल। खेल जाओ बाके बिहारी, और अगर इस खेल के बीच कोई आया तो आग लगा देना उसे। कौन है?
यहाँ क्या दिख रहा है? माँ, उस लड़की को देखा तुमने? माँ, किस लड़की को? वही जो मेरी कार की सीट पर ये गुलदस्ता छोड़कर गई है। बेटा, तूने सम्मानित होने लायक ऐसा कारनामा जो कर दिखाया है। रही लड़कियों की बात, तो वो तो तेरे पीछे पड़ी ही रहेंगी जब तक तू शादी नहीं कर लेता। ओ माँ, चलो। अब बता, कैसा रहा तेरा फंक्शन? फंक्शन बहुत अच्छा रहा माँ। तेरे बेटे को बहुत सम्मान मिला, बहुत खातिर हुई और बड़ी इज्जत मिली। अच्छा चल, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। माँ, ये फूल है, काटे नहीं। कौन? सुधांशु, तूने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले, यहाँ क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं माँ, मैं अभी चेंज कर लेता हूँ। बेटा, तुझे कभी कभी क्या हो जाता है? तेरा ये बिखराव, खोया खोयापन सब ठीक हो जाएगा। बस तू मेरी एक बात मान ले। कौन सी बात माँ? बेटा, तू शादी कर ले। माँ, शादी करने से क्या होगा? सुधांशु, सुधांशु, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बाबा जी। लेकिन मुझे एक बात का दुख है, मैं तुम्हारे सम्मान समारोह में उपस्थित नहीं हो पाया। क्या करूं, एसीपी की नौकरी जो ठहरे, और तुम तो जानते ही हो हम पुलिस वालों की ड्यूटी ऐसी होती है, सुबह यहाँ है तो शाम को हमें पता नहीं कहाँ है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा फंक्शन कैसा रहा बेटा? फंक्शन तो बहुत अच्छा रहा मामा जी। अच्छा? मामा जी आप बैठिए, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे और फंक्शन की डिटेल्स भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा। जगह जहां से तुमने सुधांशु को उठाना है, चारों तरफ ध्यान से देख लो और जगह का मुआयना कर लो। इस समय सन्नाटा है।
जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होएगो। जाओ। यही वो जगह है जहां से हमें अपने शिकार को उठा कर ले जाना है। बहुत आसानी से उठा के ले जाएंगे। तुम ठीक कहते हो। ये पैर किसने पकड़ लिया? अरे अरे मेरा पैर किसने पकड़ लिया? कौन है ये? कौन है? छोड़ो, अरे छोड़ो, छोड़ छोड़ छोड़, इसका हाथ है। क्या हुआ और क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? बॉस, वहां किसी ने हमारे पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ लिए? ये सही करो है, मेरे भी किसी ने पैर पकड़ लिए। अरे तुम लोग तो हमेशा कोई जाके। चलो हाँ चलो 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 चलो। चले गए, आप सो जाइए। जी दावा है। भेजो उसे, जल्दी भेजो। जी सरकार। आओ दलजीत। नरपत भाई, बड़ी मुश्किल से इस फोटोग्राफर से ये तस्वीरें मिली हैं। अगर इसमें से एक भी चीज किसी के हाथ लग जाए तो वो बन जाएगा करोड़पति। देख दलजीत, अब तो सुधांशु को उठाना बहुत जरूरी हो गया है। मगर नरपत भाई, पता चला है कि यहाँ का जो एसीपी है धनराज, वो उसका मामा है। आज की रात सुधांशु को उठवा लो। आज की रात सुधांशु शेखर चौधरी सही सलामत मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। बस इतना ही, तुम जा सकते हो। जी भाई। We'll be right back.
शाल। सुधांशु, 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 अरे यहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया? अरे गाड़ी भी नहीं है, ये सुधांशु कहाँ चला गया?
एसीपी धनराज स्पीकिंग। धनराज, मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ। धनराज, सुधांशु घर में नहीं है, उसकी गाड़ी भी नहीं है, बिना बताए तो वो कहीं नहीं जाता, मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं अभी आ रहा हूँ। सुधांशु उठो, तुम अभी कहाँ चले गए थे? मैं तो लिच्छवी पैलेस गया था। अरे पैलेस गए थे तो फिर वापस कैसे आ गए? एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे जगाया, सो गया था मैं वहां जाकर, लेकिन मैं वापस अपने बिस्तर पर कैसे आ गया? धनराज ये क्या कह रहा है? सुधांशु, मैं और दीदी थोड़ी देर पहले इस कमरे में आए थे, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं थे और तुम्हारी गाड़ी भी बाहर नहीं खड़ी थी। गाड़ी? हाँ, आइए देखते हैं। चलो। मामा जी, गाड़ी तो यही है। क्या पहली है सुधांशु? न तो पहले यहां पर गाड़ी थी और ना ही घर में तुम थे, और अभी अभी तुमने कहा कि तुम पैलेस गए हुए थे। हाँ मामा जी, मैं पैलेस गया था, लेकिन ये सब कुछ ऐसा है जैसे जैसे मैं कोई सपना देख रहा था, और अगर मैं वहां था तो फिर मैं यहां कैसे आ गया? कुछ समझ में नहीं। इंजन तो गर्म है, लगता है गाड़ी अभी अभी चलकर आई है। बड़े ताज्जुब की बात है, न तो गाड़ी के आने की आवाज हमें सुनाई दी और न ही तुम्हारे कदमों की आहट, और तुम कह रहे हो कि तुमने सपना देखा है, समझ में नहीं आता। लेकिन अभी अभी जो कुछ मैंने और दीदी ने देखा है वह तो कोई सपना नहीं है सुधांशु। आप लोगों ने वही पायल की आवाज। सुधांशु, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। धनराज, मैं सब कुछ समझ गई। ये दिन रात जंगलों के खंडरों में भटकता रहता है, धरती के नीचे दबे हुए महल ढूंढता फिरता है, बस इसीलिए इसे पायलों की आवाज और न जाने कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। हेलो, एसीपी धनराज स्पीकिंग। एसीपी धनराज, सुधांशु की जान खतरे में है, कोई उसे किडनैप कर रहा है, आप सावधान रहिए। आप कौन बोल रही हैं?
हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ धनराज? दीदी, इसी लड़की का फोन था। वो कह रही थी कुछ लोग सुधांशु को किडनैप करना चाहते हैं। क्या किडनैप? पर मुझे किडनैप करके उन्हें क्या मिलेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये घर, ये गाड़ी, ये सब तो सरकारी है बाबा जी। किडनैप की धमकी देंगे बेटा, वो देंगे। आखिर में तुमने लिचुआ पैलेस जो ढूंढ निकाला है, और लिचुआ पैलेस में तुम तो जानते ही हो करोड़ों रुपए के एंटिक्स रखे हुए, जिसे पाने के लिए हर कोई स्मगलर उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए तुम्हें बार बार धमकी मिल रही है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, वहां सिर्फ करोड़ों की ही नहीं अरबों की दौलत है। अरे वहां तो ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो। चलो, बहुत रात हो गई, चलो। साहब, 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 तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे जगाने की? क्या है साहब? क्या है साहब? अपने जो आदमी डायरेक्टर को उठाने गए थे ना, वो लहूलुहान होकर लौटे हैं। चलो, क्या कहा था तूने? ये दोनों लहूलुहान हैं, लेकिन इनके बदन पर एक खरोच भी नहीं है। साहब, जब ये आए थे तो लहूलुहान थे। भाई, ये सही बोल रहा भाई? मैं कैसे मान लूं? क्या नाटक है ये? सबसे पहले तुम दोनों ने आकर मेरी नींद खराब की, ऊपर से झूठ बोल रहे हो, और सबसे बड़ी बात ये कि तुम दोनों मेरा काम किए बिना वापस लौटे हो। क्या करूं मैं तुम दोनों का? भाई, इस बार हमें माफ कर दो भाई, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती कभी नहीं होगी। एक मौका और दो भाई, भाई भाई एक मौका और दो भाई। जाओ जाओ। ओके भाई, शुक्रिया। भाई प्लीज, भाई नहीं, भाई भाई नहीं, भाई नहीं, भाई 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 इन दोनों का तो यही अंजाम होना था। साहब नमस्ते। हाँ, अरे कल रात को जब मैं यहाँ पर सो गया था तो तुमने मुझे जगाया था ना? नहीं साहब, कल रात को तो मैं ड्यूटी पर नहीं था। क्या, कल रात को तुम ड्यूटी पर नहीं थे? लेकिन कल रात को कुछ गड़बड़ हुआ क्या साहब? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, तुम जाओ। ओके साहब।
वही रात वाली लड़की हो। मैं अभी सपना देख रहा हूँ कि मैं रात को सपना देख रहा था। नहीं, आपने जो कुछ भी रात को देखा वो सपना नहीं था, और आप अब भी जो कुछ देख रहे हैं वो भी सपना नहीं है। पर तुम हो कौन? मुझे भूल गए? अपनी मालविका को भूल गए? 2500 साल हो गए, मैं तो कुछ भी नहीं भूली। 2500 साल? ये कैसा मजाक है राजकुमार विशाल, आप तो सब कुछ भूल गए। लगता है अब मुझे आपको सब कुछ याद दिलाना होगा। ये राजकुमार विशाल कौन है? आप आइए मेरे साथ, मैं आपको सब कुछ याद दिलाती हूँ। राजकुमार विशाल। ये मैं हूं। राजकुमार, कहाँ हैं आप? राजकुमार, बताओ हम कौन हैं? आप नहीं भी कहते तब भी हम आपको पहचान जाते राजकुमार। वो कैसे? हम आपके चुवन को पहचानते हैं, आपके स्पर्श को पहचानते हैं, आपके जिस्म से आती हुई इस चंदन की खुशबू से हम आपको पहचानते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा करना पड़े तो हमारे लिए तो यह बड़ा कठिन हो जाएगा। हाँ, पुरुष जो हो आप, भवरा होता है पुरुष, कली कली पर मंडराता है। मालविका, हम भवरे नहीं हैं, हम तो प्रेमी हैं, और हम तो बस इतना जानते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें हमारे लिए और हमें तुम्हारे लिए बनाया। अच्छा अच्छा, अब बस भी करिए बातें। किंतु राजकुमार, हमारे मिलन में एक रुकावट है। कैसी रुकावट? सेनापति मूरत सिंह की कुदृष्टि है हम पर। राजकुमार, कहाँ जा रहे हैं आप? ये तो मेरी तस्वीर है। राजकुमार, आठ सुनाई दी, कोई आ रहा है, आप शीघ्र जाकर उसे रोकिए। मिस्टर सुधांशु, ये गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? इधर एक मूर्ति थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कौन सी मूर्ति की बात कर रहे हैं आप? वही मूर्ति जो बहुत खूबसूरत। वो मूर्ति तो वहीं होगी, और कहाँ जाएगी? आइए मैं दिखाता हूं। आइए, मिस्टर सुधांशु, ये स्टैचू अभी थोड़ी देर पहले यहां नहीं था, पता नहीं अभी कैसे। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई, ये स्टैचू तो यहीं था। मिस्टर अशोक जी, कुछ दिनों तक इस एरिया में काम मत कीजिए। ठीक है सर। हाँ,
होशियारी से होना चाहिए। होगा। और ध्यान रहे, मुझे इस बार कोई गलती नहीं चाहिए। बॉस अगर ये काम हो गया तो इनाम दिया जाएगा। तो इस बार का इनाम पक्का। ये तो गाड़ी की आवाज है, लगता है वो आ रहा है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो, चलो। बाबू अब चुपचाप हमारे साथ चले चलो, वरना इस चाकू से छोटा छोटा इतना टुकड़ा करूंगा कि तुम्हारी माँ भी नहीं पहचान पाएगी, समझे? एसीपी चलो चलो भागो, भागो चलो जल्दी। सुधांशु तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मामा जी, लेकिन आप यहाँ कैसे आ गए? ये लोग कौन थे? पता नहीं मामा जी, कुछ गुंडे थे, मुझे किडनैप करना चाहते थे। किडनैप करना चाहते थे? लेकिन आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? बेटा मेरे पास अभी भी एक फोन आया और उसने कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है, और ये फोन उसी लड़की का था जिसने उस रात फोन किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर चलाया। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, अब मैं आ गया हूँ, मैं आज से ही तुम्हारी सिक्योरिटी का इंतजाम कर देता हूँ। नहीं मामा जी, सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है तो ये पता लगाने की कि ये लोग कौन थे और किस मकसद से आए थे। ये रहा तेरा इनाम। यही तेरा इनाम है। ये में आता है कि दाग दूं सारी की सारी। सरकार हम तो सुधांशु को उठा के गाड़ी में बिठाने ही वाले थे कि बस उसका मामा एसपी धनराज आ गया। पुलिस, जरूर तुम में से कोई एक गद्दार है। नहीं नर्वद भाई, हम सब शुरू से आपके साथ हैं। तो फिर पुलिस वहाँ कैसे पहुँची? कैसे पहुँची उस जंगल में, उस वीराने में कैसे पहुँची पुलिस वहाँ? मत बताओ, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगा। इस काम के लिए बाहरी मुल्कों से बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगर सुधांशु नहीं मिलता तो उसकी मां, उसकी मां को उठा लो, उठा लो उसकी मां को। मालविका, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ, तुमने पुलिस को खबर करके मुझे बचा लिया। हाँ, पहले तो हमने सोचा कि आपको उनसे लड़ने के लिए छोड़ दें, क्योंकि हम जानते हैं वो सब मिलकर भी आपका सामना नहीं कर सकते। चाहता तो मैं भी यही था कि उन लोगों को अच्छी तरह से मजा चखाऊं, लेकिन आप भूल गए कि शरद पूर्णिमा की रात को
सेनापति मूरत सिंह ने हम पर अपहरण करने का प्रयास किया। शरद में आनंद कहाँ? क्या मतलब? मतलब उठा लो इसे नहीं। और ले चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। हमारे आनंद वन ले चलो। छोड़ो मुझे। आज की रात्रि नहीं, आनंद की रात्रि होगी। दुष्ट पापी, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है वहाँ? क्या
सेनापति, आज तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। क्षमा कौन किसे करेगा ये तो समय बताएगा। इच्छा तो है कि तेरा गला काट कर तुझे यहीं समाप्त कर दूं, लेकिन जामुरत सिंह, तुझे अंतिम बार क्षमा किया, लेकिन याद रखना, यह कोई गांव की कन्या नहीं, इस राज की राजकुमार की होने वाली पत्नी है, याद रखना। चलो मालविका। सत्य है सेनापति जी कि हम राजकुमार विशाल को तलवारबाजी में हरा नहीं सकते, किंतु उसकी मृत्यु भी सत्य है। अब इसे मिटाने के लिए हमें कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। और वही मूरत सिंह अब नरपत है, उसी के आदमी आपका अपहरण करने आए थे। तो उसी मूरत सिंह ने नरपत के रूप में जन्म लिया है। हाँ, मुझे याद आ रही है, वो सारी बीती हुई घटनाएं याद आ रही है मुझे। उस दिन मूरत सिंह को क्षमा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। मूरत सिंह ने हमारे प्रेम के बारे में मेरे पिता महाराज समीर सिंह को बता दिया और उन्होंने मुझसे साफ कह दिया कि किसी भी गांव की लड़की इस राज्य की महारानी नहीं बन सकती। तब मैंने निर्णय किया था कि मैं तुम्हें लेकर इस राज्य की सीमा से बाहर चला जाऊंगा। वो रात बड़ी भयंकर थी जब मैं तुम्हें इस राज्य की सीमा से बाहर लेकर जा रहा था। राजकुमार, आप कृपया करके मेरी बात मान लीजिए, आप मेरे लिए अपने राजपाट का त्याग मत कीजिए। नहीं मालविका, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हारे साथ एक साधारण मानव की तरह जी सकता हूं। राजकुमार। हाँ मालविका, एक और बात भी है। तुम तो जानती हो इस राज्य का नियम है कि इस राज्य की सबसे सुंदर लड़की को नगर वधु बना दिया जाता है, और मैं तुम्हें नगर वधु के रूप में नहीं देख सकता। ये एक औरत के अधिकार पर आघात है कि उससे माता बनने का, पत्नी बनने का अधिकार छीन लिया जाए। उस दिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मैं इसी कारण आज आपके पास क्षमा याचना करने आया हूं। आप मुझे क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। आज तो मेरा मन और भी दुखी है राजकुमार। आज तो आप राज्य छोड़कर जा रहे हैं, यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बेहिचक कहिएगा। मूरत सिंह, मैंने तुम्हें क्षमा की। धन्यवाद राजकुमार, धन्यवाद। अब मैं चलता हूं।
राजकुमार। जिसने हमारे समस्त राज्य को दुख के आंसुओं में डुबो दिया, जिसने हमसे हमारे राजकुमार को छीन लिया, जिसने आपके वंश की बेल ही काट दी महाराज, वही अपराधी आपके समक्ष उपस्थित है। इसे शीघ्र अतिशीघ्र मृत्युदंड दीजिए महाराज। तुमने राजकुमार का वध क्यों किया? ये झूठ है महाराज, राजकुमार विशाल का वध हमने नहीं किया। झूठ झूठ बोल रही है तू। जिस तीर ने राजकुमार के प्राण लिए वो तीर तेरा था, और ये सिद्ध हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है महाराज। ये सत्य है महाराज, जिस तीर से राजकुमार विशाल का वध हुआ वो तीर हमारा था, किंतु वो हमने नहीं चलाया। कुछ समय पहले हमारा धनुष्वान चोरी हो गया था। राजकुमार विशाल तो हमसे प्रेम करते थे महाराज। मालविका, मेरा पुत्र इस सिंहासन का उत्तराधिकारी था, वो एक साधारण लड़की से प्रेम करता था। हाँ महाराज, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं नगर वधु बनूं, इसीलिए वो मुझे राज्य की सीमा से बाहर ले जा रहे थे। चुप रहो, अपने प्राण बचाने के लिए तुम स्वर्गीय राजकुमार को राजद्रोही कहना चाहती हो? हाँ महाराज, ये स्वयं हमारी राज्य की सीमा से बाहर भाग कर जा रही थी, तभी हमारे राजकुमार विशाल ने इसे रोकने का प्रयास किया, और इसने हमारे राजकुमार का वध कर दिया महाराज। इसी ने किया है। ये सत्य नहीं है महाराज, ये सेनापति मूरत सिंह की चाल है, इनका उनसे बैर था, ये उनके शत्रु थे महाराज। बस अब मैं एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहता। तुमने अपराध किया है और उसका एकमात्र दंड यही है कि तुम्हें भूखे सिंह के सामने छोड़ देना चाहिए। तो तुम स्त्री हो, फिर भी तुम्हें मृत्युदंड अवश्य मिलेगा। सैनिकों, इसको ले जाकर राजकुमार के कक्ष में जीवित चुनवा दो। इससे मेरे स्वर्गीय पुत्र की आत्मा को शांति मिलेगी। महाराज, आपने मुझे मृत्युदंड देकर मेरे जीवन से मुझे मुक्ति दिला दी है, धन्यवाद। किंतु मैं अपने अन्याय का बदला लेकर रहूंगी। जिन्होंने राजकुमार विशाल का वध किया है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं मर गई तो क्या, मेरी आत्मा उनसे प्रतिशोध लेगी। महाराज, आपने आंखें मूंद कर मेरा फैसला किया है, मैं श्राप देती हूँ, आपका ये सारा राजमहल नष्ट हो जाएगा। दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया? हाँ, जिंदा चुनवा दिया गया, किंतु मेरे शाप से सारा महल नष्ट हो गया। यहाँ इतना बड़ा भूचाल आया कि ये सारा राजमहल धरती के गर्भ में समा गया। मुझे आपके कमरे की दीवार में चुनवाया गया था। आप उस दीवार को तोड़ेंगे तो आपको मेरा शरीर मिलेगा। Thank you.
लड़का, तुमने 2500 साल इंतजार किया। और क्या करते, हमारी सारी यादें इस महल और इसके आसपास ही हैं। अगर आप ये महल ना ढूंढ निकालते तो हमारी आत्मा इसी महल में कैद रहती। हमारी आत्मा की शांति का बस एक ही इलाज है। मैं जानता हूं मालविका, और मैं उस नरपत को यहां पर लेकर आऊंगा। मुझे अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि तुमसे मिलने में मुझे 2500 साल लग गए। राजकुमार, कुदरत न्याय जरूर करती है। अब देखिए ना, कुदरत का न्याय, 2500 साल बाद आपको उसी रूप में मेरे सामने ले आई ताकि मैं आपको पहचान सकूं। और उस सेनापति मूरत सिंह को नरपत के रूप में ले आई जिसे मैंने नरपत के नाम से पहचाना। हाँ मालविका, और कुदरत का यह न्याय अब पूरा होगा और साथ में तुम्हारी अधूरी कहानी भी पूरी हो जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है कि हम पूरी ताकत पूरी तैयारी के साथ उस महल पर हमला करें। जी भाई। और फिर उसके बाद उस महल में से हमें जो कुछ भी मिले उसे पूरे हिफाजत के साथ बाहर निकाल लें, और फिर इस इलाके को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। नहीं, मेरी मदद के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने मुझे उठवाने की कितनी कोशिशें की मगर कामयाब नहीं हो सके। अगर उसके बदले तुमने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया होता तो वो सारी चीजें तुम्हारी होती। क्या? हाँ, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला है। अरे 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 अरे, ये तो अपनी बिरादरी का निकला, अपनी बिरादरी का निकला। सच पूछो सुधांशु जी, तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। मूर्ख? मुझे आपको उठवाने के बजाय आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाना था। मिला लो हाथ सुधांशु जी, फायदे में रहोगे। तो अब सुनो मेरा प्लान। मैं तुम लोगों को अपना दोस्त बनाकर महल के अंदर ले जा सकता हूं, और महल के अंदर जाकर मैं तुम्हें वो सारी अनमोल चीजें दिखाऊंगा, और फिर तुम उन सारी चीजों की लिस्ट बना लेना, और फिर अगली रात हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और वो सारा सामान बाहर निकाल लेंगे। बस बस, समझ गया, अपना काम तो हो गया। सच पूछिए सुधांशु जी, तो आपने मुझे कायल कर दिया। अरे आप तो दोस्तों के दोस्त निकले, यारों के यार। चलिए हम सब आपके साथ चलते हैं दुनिया की उस अनमोल दौलत के दर्शन करने। चलें। चलिए। सुधांशु साहब वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना खूबसूरत महल देखा है। लेकिन
न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यह महल जाना पहचाना है। हो सकता है आपने कभी इसकी कल्पना की? हाँ हो सकता है। खैर छोड़िए, आइए मैं आपको अब ऐसी मूर्ति दिखाता हूं जो अनमोल है। चलिए चलिए आइए। अरविंद तुम ध्यान रखना कि कोई बाहर से अंदर ना पाए। ठीक है सर। चौकस रहना। ठीक है आइए। ये देखिए ये है वो अनमोल मूर्ति जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सुधांशु साहब वाह, दिल खुश कर दिया आपने। ऐसी मूर्ति तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। इसे उठाकर बाहर ले जाएं। उठाकर ले जाने की क्या जरूरत है नरपत, यह मूर्ति तो खुद चलकर हमारे साथ जाएगी। वो कैसे? राजकुमार के प्राण लिए वो तीर दे रहा था। हां मुरत सिंह, मैं मालविका। 2500 सालों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं और तुझे यहां लेकर आने वाला कोई और नहीं, स्वयं राजकुमार विशाल है। माफ कर दो मुझे उपमान।
मुझे मत मारो, मैं आग जोड़ता हूं। देख मुरत सिंह, देख इस तीर को, ये वही तीर है जिससे तुमने मेरे प्रेमी राजकुमार की जान ली थी। राजकुमार, आज मेरा संकल्प पूरा हुआ, मेरी कहानी समाप्त हुई, मेरी भटकती तड़पती हुई आत्मा को आज शांति मिल गई। मैं जा रही हूँ राजकुमार, हम फिर मिलेंगे। ओ कभी